चलिए और रुक करेंगे अब अगली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि अगली बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है। यहां निजी हॉस्टल में मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। स्टाफ ने मासूम के साथ दुष्कर्म किया, पीड़िता ने मां को अपनी ये पूरी आपबीती सुनाई। क्या अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच में अब स्थानीय पुलिस जुट चुकी है। मिसरौद थाने के रतनपुर का ये पूरा मामला है, जहां आपको बता दें कि एक निजी हॉस्टल में मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। स्टाफ ने ही मासूम के साथ ये बर्बरता की और पीड़िता ने ये पूरी आपबीती अपनी माँ को सुनाई, जिसके बाद तत्काल इस पूरे मामले पर एक्शन लिया गया, FIR दर्ज कराई गई है। अज्ञात आरोपी के खिलाफ में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की अब जांच में पुलिस जुट गई है। मिसरौद थाने के रतनपुरा का यह मामला है, जहां पर एक निजी हॉस्टल में मासूम के साथ दुष्कर्म का ये मामला सामने आया था। दरअसल हॉस्टल के जो स्टाफ थे उन्हीं ने मासूम के साथ दुष्कर्म किया था और ये पूरी आपबीती पीड़िता ने अपनी मां को जब बताई तो तत्काल इस मामले पर संज्ञान लिया गया। थाने मां पहुंच मां बेटी पहुंची, FIR दर्ज कराई गई है और पुलिस ने भी अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी अब शुरू कर दी है। मिसरौद थाने के रतनपुरा का ये पूरा मामला है, जहां आपको बता दें कि एक निजी हॉस्टल में मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया है, बर्बरता पूर्वक क्या उसके साथ व्यवहार किया गया है, घिनौनी हरकत वहां स्टाफ के ही द्वारा की गई है और जब मासूम ने अपनी मां से ये पूरी आपबीती साझा की तो तत्काल इस पूरे मामले को लेकर FIR दर्ज भी हो गई है। हालांकि अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, पुलिस भी अब आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। ये निजी हॉस्टल का ये मामला था, जहां पर मासूम एक निजी हॉस्टल में रहती थी और स्टाफ के ही द्वारा मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी रिजवान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रिजवान, मिसरौद थाने के रतनपुर का मामला, यहाँ पर एक मासूम के साथ में बर्बरता की जाती है, घिनौना कृत्य मासूम के साथ किया जाता है, क्या कार्रवाई पुलिस कर रही है? देखिए, पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो स्कूल में CCTV कैमरे लगे हैं वो पुलिस उसकी जांच कर रही है और कुछ डॉक्यूमेंट पुलिस ने जो है मांगे हैं संचालिका से, वो भी जो है पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में लिए। हालांकि बच्ची का कहना है उसको है कि कोई नशीली चीज खिलाकर जो है दाल चावल मिलाकर खिलाई, उसके बाद जो है उसके साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। पूरी आपबीती जो है उसने अपनी माँ को बताई, उसके बाद जो है ये पूरी मामले में जो है पुलिस ने संज्ञान लिया है। बताया जा रहा है कि 29 तारीख को जब बच्ची को उसकी माँ लेने वहां पर पहुंची थी, उसके बाद जो है पूरी घटना सामने आई है। 4 से 5 दिन पुरानी ये घटना बताई जा रही है। पुलिस का कहना है तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले में जो संचालिका है प्रियंका मोदी, उनका भी बयान सामने आया है और उनका कहना है पुलिस का हम सहयोग कर रहे हैं और जो कैमरे के रिकॉर्डिंग मांगी थी वो भी पुलिस को दी है। अगर 28 साल से हम स्कूल इसको चला रहे हैं लेकिन इस तरह की घटना सामने नहीं आई है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, जैसे तथ्य आएंगे वैसे आगे कार्रवाई पुलिस का कहना है इसमें की जाएगी। बिल्कुल, कार्रवाई तो होनी ही चाहिए क्योंकि स्टाफ के द्वारा जब इस तरह का घृणा कृत्य किया गया है। लेकिन अगर हम इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करें रिजवान, तो क्या ये पूरा मामला रहा था? बच्ची कब से वहां रह रही थी और कब से आरोपियों के द्वारा उसके साथ ये घृणा काम किया जा रहा था, कुछ इस बात की जानकारी बच्ची या बच्ची के माता के द्वारा दी गई है? बिल्कुल, 19 दिन पहले जो है बच्ची वहां पर पहुंची थी और बच्ची 19 दिन ही जो है वहां पर रही है। बताया ये जा रहा है कि उसकी माँ जो है उसकी माँ को फोन करने के लिए जब उसने कहा तो वहां पर पहुंची उसको लेने के लिए। 29 तारीख को जब माँ पहुंची उसने पूरी आपबीती जो है अपनी माँ को सुनाई, उसके बाद पुलिस थाने उसकी माँ और बच्ची पहुंची और पुलिस ने जो है मामले में संज्ञान लिया और तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है मामले में जांच कर रहे हैं, जैसे सताएंगे आगे वैसे कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, यानी कि पुलिस अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है, आरोपियों की तलाश की जा रही है, आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। नजर बनाए रखिएगा, आपसे और भी अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।